वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल शिवम डॉग वर्ल्ड्स। मैं आपका दोस्त शिवम। आज का टॉपिक है डॉग वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देना कि आपको किस तरह डॉग की वैक्सीनेशन लगवानी है या उनकी पहली वैक्सीनेशन कैसे लगती है। कंप्लीट वैक्सीनेशन चार्ट के बारे में बताया है इसमें, तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। डॉग की पहली वैक्सीनेशन या उसे फर्स्ट शॉट जो लगता है वो 4 वीक्स पे लगता है। इसे डीपी वैक्सीन बोलते हैं। ये कैनिन डिस्टेंपर या कैनिन पार्वो वायरस के लिए लगाया जाता है। इसको लगाने के बाद आपका वेटनेरियन जो भी होगा वो आपको इस पे अपने इंजेक्शन का जो टीकर होगा वो लगा देगा और उसके 21 डेज आगे की डेट दे देगा। सेकेंड वैक्सीनेशन इसको या इसको फर्स्ट बूस्टर भी बोलते हैं। ये 6 to 8 वीक्स पे लग जाता है। ये 3 तरह के होते हैं, 7 in 1, 8 in 1, 9 in 1। जितने भी 7, 8, 9 होंगे ये उसका मतलब होता है कि इसमें 7 वायरस से प्रोटेक्ट करता है, ये 8 वायरस से प्रोटेक्ट करता है, ये 9 वायरस से प्रोटेक्ट करता है। इसको लगाने के बाद आपको फिर इस टीका लगा दिया जाएगा और उसके 21 डेज के आगे की डेट दे दी जाएगी। देन थर्ड वैक्सीनेशन जो होती है वो सेकंड बूस्टर कराता है। ये पहले वाले का ही बूस्टर होता है। ये 8 to 10 वीक्स पे लगा जाता है। ये भी 7 in 1, 8 in 1 या 9 in 1 होता है। ये कैनिन डिस्टेंपर या एडवेंट वायरस टाइप 2 इंजेक्शन और DHL PS कॉम्बाइंड इन सब वायरस से बचाता है। गाइस ये आपके वेटनरी से बात करके लगाइएगा। मेरे ख्याल से 9 in 1 बेस्ट रहता है, ये 9 वायरस को प्रोटेक्ट करता है। ये कम्प्लीट अप्रॉक्स मान के चलिए 1500 रुपये तीनों वैक्सीनेशन हो जाती है। और आफ्टर इन सब वैक्सीनेशन लगवाने के बाद इनकी रेबीज़ की वैक्सीनेशन शुरू होती है। रेबीज़ की पहली वैक्सीन होती है वो 12 वीक के पपी को लगती है। ये एंटी रेबीज इंजेक्शन होता है। मार्केट में 250, 300, 350 इस रेंज में अवेलेबल है। इसको लगाने के बाद डॉक्टर आपके वैक्सीनेशन कार्ड पे इसका भी स्टिकर लगा देगा ताकि आपको ध्यान रखना इंजेक्शन कब लगाया था। इसकी रिपीट इंजेक्शन जो होता है वो 30 डेज़ के बाद लगता है। 30 डेज़ के बाद आप एक दिन ऊपर कर सकते हो, एक दिन नीचे कर सकते हो, लेकिन एक दिन इससे ज़्यादा ऊपर मत करना गाइस। 30 डेज़ का मतलब 30 डेज़ में लगा लीजिएगा। ये इसलिए लगाई थी ताकि आपका डॉग किसी को काट ले या आपके डॉग को कोई जाना काट ले तो उस पर जो वायरस होता है रेबीज़ का वो उससे उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद गाइस फिक्स वैक्सीनेशन ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगवाएं चाहे ना लगवाएं। ये 16 वीक लगती है। कैनल कोल्ड कफ वैक्सीन बोलते हैं इसको। आपकी इच्छा है लगवाओ, मतलब वो इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है, बट काफ़ी सारे लोग इसको बोलते हैं लगाने के लिए। ये नाक के थ्रू लगाई जाती है डॉग्स के पैकिंग में कफ प्रॉब्लम जो भी होती है उसके लिए। तो ये गाइस इनको अगर आप लगवा लेते हो उसके बाद आपके डॉग को कुछ नहीं होता और आपके डॉग सारे वायरस जो मेन वायरस होता है पार्वो वायरस होता है उससे प्रोटेक्ट सबसे प्रोटेक्ट होता है। सो गाइस ये था कंप्लीट वैक्सीनेशन चार्ट। आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप सपोर्टिंग गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।